जो तीन प्लेयर आए थे बिट्टू मैक्सी, रवीश राणा और रवि झा, तीनों ने आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस किया इस मैच के लिए, जिसके दौरान हम लोग थर्ड राउंड पे पहुंच गए। जीरो से शुरू करने वाले को हारने का डर नहीं होता। कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं त्रिपुरा से और त्रिपुरा पुलिस में बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप पुलिस विभाग में? अरे वाह, क्या बात है भैया का। डोले सोले देख सकते हैं, छक्का बहुत लंबा लंबा मार रहे थे। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है मुझे, और रवि भैया, रवीश भैया का भी बोर्डिंग पास आ चुका है। इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, दर्शकों का दिल जीत लिया, और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, सब लोगों को बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ। खेल के बहुत अच्छा लगा, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन रवि भाई ने जैसा बोला बस मैंने वैसे ही करते हैं। पांच विकेट ले, यही चीज होता है अगर सीनियर थोड़ा बोले कि हाँ यहाँ यहाँ डालना है। उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है। हेलो क्रिकेटर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो मैं आया हुआ था अगरतला खेलने के लिए, और अभी मैं अगरतला के ही ग्राउंड में हूँ। जी हाँ, मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। ये ग्राउंड है और आज अभी इस जगह मैच होगा। तो अभी दूसरी टीम की मैच चल रही है, आप जैसा देख सकते हैं। अभी हम लोग का मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, टॉस हुआ नहीं है, तो अभी मैं ड्रेसअप भी नहीं हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्रेसअप होता हूँ, और आज का सबसे ज़बरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि इस एरिया का, अगरतला का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये होता है। तो अभी पहले ड्रेसअप करते हैं। तो मैं बिल्कुल ड्रेसअप हूँ, और गाइज मैं बता दूँ कि आज का मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अगेंस्ट टीम काफ़ी अच्छी है, अगेंस्ट टीम में चार से पाँच प्लेयर बांग्लादेश के प्लेयर आए हुए हैं, और बांग्लादेश के बॉर्डर के जस्ट बगल में ही है अगरतला, तो वहां से प्लेयर आते रहते हैं खेलने के लिए। तो अभी टॉस हुआ नहीं है, तो हमारी टीम के कैप्टन जा रहे हैं टॉस करने के लिए, तो देखते हैं टॉस क्या होता है। टॉस हो चुका है और टॉस अगेंस्ट में जीता है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो हमारी पूरी टीम आ चुकी है ग्राउंड में, और गाइस आज का विकेट काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 ओवर में 160 बनता है, तो देखते हैं कि अगेंस्ट टीम कितना स्कोर बनाती है। अभी हमारी फाइनली गाइस फील्डिंग हो चुका है खत्म हम लोग का, और अगेंस्ट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 90 रन बनाए हैं, और हम लोग को टारगेट दिया 91 का। और आज रवि भैया क्या गेंदबाजी किए हैं, मतलब चार ओवर का स्पेल में एक भी छक्का नहीं खाया, चार ओवर का स्पेल में मतलब 24 बॉल भैया ने फेंका और एक भी छक्का नहीं खाया, और कितना, दो विकेट था, दो विकेट, तो भैया ने दो विकेट लिया। और क्या लग रहा है भैया, चीज हो पाएगा? कहना मुश्किल है। और ये देखिए रवीश राणा आ गए हैं हमारे बीच। रवीश भाई ये देखिए शानदार गेंदबाजी, तीन विकेट लिया इन्होंने चार ओवर में, चार ओवर देखिए तीन विकेट, और पता है इनको भी छक्का नहीं लगा, एक भी छक्का लगा था रवीश राणा को, एक छक्का लगा, छक्का लगा था, लग गए, एक छक्का खाए, कोई बात नहीं है, छक्का लग सकता। और आप यहाँ मिल सकते हैं इस अंकुर से, आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, इधर से तेलियामुरा से हूँ मैं, त्रिपुरा तेलियामुरा, तेलियामुरा से है। और मैं बता दूं कि आज जो भाई ने जबरदस्त बॉलिंग की है, पांच विकेट, तो पंजा खोल दिया भाई ने, और अगेंस्ट टीम को 90 पे रोक दिया हम लोग, और 51 का टारगेट है, तो आई होप कि हम लोग चेस कर ले। और कैसा लगा खेल के? खेल के बहुत अच्छा लगा, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन रवि भाई ने जैसा बोला बस मैंने वैसे ही करते हैं, पांच विकेट ले। चलिए, यही चीज होता है अगर सीनियर थोड़ा बोले कि हाँ यहाँ यहाँ डालना है। उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो हमारे ओपनर बल्लेबाज जा रहे हैं रवीश राणा, और एक का क्या नाम है, शुभंकर, शुभंकर और रवीश राणा की जोड़ी।
फाइनली गाइस हम लोग ये मैच जीत गए और आप मिल सकते हो उत्पल भैया जो कि मैच फिनिश किए और कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा और आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं त्रिपुरा से और त्रिपुरा पुलिस में बिलोंग करता हूं। अच्छा, आप पुलिस विभाग में? अरे वाह, क्या बात है भैया का डोले सोले देख सकते हैं, छक्का बहुत लंबा लंबा मार रहे थे। और आप मिल सकते हैं यहाँ पे शुभांकर भैया जो कि ओपन बैटिंग करने गए थे और जबरदस्त बैटिंग। और भैया आप यहीं से बिलोंग करते हैं? आप भी? हाँ, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। और आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं? कब खेले थे वो? 2015-16। हम तो ड्यूज खेलते हैं ना। अच्छा, तो अभी तो अभी यहाँ का जो टीम है, मेरा गांव का टीम है, ठीक है, जो आप लोग आए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे अभी खेल रहा हूँ, ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई लोग से खेल रहे हैं, अच्छा हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग जीता है। बिल्कुल, आज हम लोग जीत गए हैं और भैया ने काफी अच्छी बैटिंग की और भैया लेदर प्लेयर है इसलिए वजह से मतलब आप बहुत अच्छा पकड़ के खेल रहे थे ना। चलिए परफेक्ट, ओके, थैंक यू भैया। अच्छा, जो तुम लोग आए हैं वो अच्छा टीम मैन है, उन लोग अच्छा लगा उन लोग को खेल के, ये उन लोग भी सबको मिल के चलते हैं, अच्छा लगा टीम में ने, सब मिल के चलते हैं। और आप मिल सकते हैं हमारे टीम मेंबर, भैया ने काफी अच्छा बैटिंग किया और भैया की क्या गेंदबाजी थी। आपने कितना विकेट लिया भैया? एक ही लिया। एक विकेट लिए थे लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी थी आपकी। और कैसा लगा यहाँ पे? बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल है। और ये तीन भाई लोग आए हैं, बिट्टू मैक्सी और एक रविश राणा, और एक भाई रवि झा, इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, दर्शकों का दिल जीत लिया और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, सब लोगों को बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ। ये आज के हीरो है, आज के मैन ऑफ द मैच अंकुर देवनाथ, हीरो मतलब आज के मैन ऑफ द मैच है। 5 विकेट लिए उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अभी आप लोग बताइए भैया कैसा लगा यहाँ पे आके खेल के? नहीं, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आए, एक अपनापन होता है ना, अपनापन जैसा लगा। और खास करके यहाँ पे पिंटू भैया, पिंटू भाई के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छे इंसान है, हम लोग कल आए हैं, कल से अभी तक दादा के पास हैं और किसी भी तरह का कमी नहीं हुआ है, अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि हम लोग घर से बाहर हैं। अच्छा लगा जितना भी समय था, और अच्छा लगा कि हम लोग आए और जीत गए, सबने अच्छा क्रिकेट खेला पूरी टीम ने। अब नेक्स्ट मैच में जो होगा नेक्स्ट मैच में देखेंगे। और फाइनली आप मिल सकते हैं गाइस यहां पे पिंटू भैया, और भाई आपका नाम? भास्कर। भास्कर भैया, भैया लोग ने मुझे बुलाया था खेलने के लिए और आज हम लोग मैच जीते। और भैया कैसा लगा? बढ़िया मैच था भैया, आप लोगों ने जो तीन प्लेयर आए थे, बिट्टू मैक्सी, रविश राणा, रवि झा, तीनों ने आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस किया इस मैच के लिए, जिसके दौरान हम लोग थर्ड राउंड पे पहुंच गए। हमारा नेक्स्ट मैच 31 जनवरी का है, वो मैच भी इन लोगों के साथ ही हमको खेलना है। जी बिल्कुल, 31 जनवरी का होगा तो मैं आऊंगा भैया, एकदम 100% रहेगा कोशिश की हम लोग आए खेलने के। हाँ जरूर, आना ही पर है। ठीक है भास्कर भैया, हम आएंगे। ओके तो गाइस ये थे पिंटू भैया लोग और अब फाइनली निकलते हैं, फ्लाइट है हम लोग का अभी, मतलब 7 बजे फ्लाइट है, यहाँ से 6 बजे ही जाना पड़ेगा, अभी चलते हैं अगरतला एयरपोर्ट। तो मैच जीतने के बाद गाइस अब फाइनली बारी है घर जाने की, तो आप देख सकते हैं पीछे कार रेडी है और अभी हम लोग जाएंगे अगरतला एयरपोर्ट और वहां से फ्लाइट है हम लोग का कोलकाता के लिए। तो 7 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे तक हम लोग कोलकाता पहुंच जाएंगे, तो अभी हम लोग निकलते हैं। तो अभी गाड़ी पे बैठ चुके हैं रवि भैया, रवीश भैया, चले
तो एयरपोर्ट जाने से पहले गाइज पूरा भूख लग गया है हम लोग को, अभी हम लोग खाना पीना खाने के लिए आए हुए हैं रेस्टोरेंट, आप पीछे देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है और हमारे साथ रवि भैया बैठे हुए हैं। क्या ऑर्डर दिया रवि भैया? पालक पनीर है, पनीर बटर मसाला है, पनीर चिल्ली है, दाल फ्राई है और रोटी है। आप अकेले खाओगे? नहीं, ये सारा सब लोगों के लिए, हम लोग 5 लोग हैं तो सबके लिए है खाना। तो गाइस अभी खाना आता है, हम लोग खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। खाना खाने से पहले थोड़ा मिठाई हो जाए, तो अभी हम लोग मिठाई ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा मिठाई है और ये काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। ये हो गया क्या भैया? इसका हो गया? कहाँ गए वो? हो गया बिल पेमेंट? हो गया? हो गया? ये फुल प्लेट कौन सा वाला है? बॉयल केक, बॉयल केक। अरे हम लेके जाएंगे, चलिए। ये देख सकते हैं मिठाई इतना सारा। रवि भैया के लिए स्पेशल लाया है केसर का मिठाई। तो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, दाल फ्राई, पनीर, रोटी। भैया आप दाल फ्राई खाओगे? भैया का दाल फ्राई स्पेशल है, मेरे लिए पनीर है और एक और दाल फ्राई। अभी खाना हम लोग फिनिश करते हैं। तो खाना पीना तो हो चुका है गाइस और अब फाइनली निकलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए। तो भैया लोग बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। ये देखिए रवि भैया का खाना पीना हो चुका है और अब गाड़ी लेते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो finally guys हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, अगरतला एयरपोर्ट, और यहाँ से फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो बस टाइम नहीं है हम लोग के पास ज़्यादा, आधा घंटा है बोर्डिंग टाइम। बोर्डिंग टाइम है 6:45 और 6 बज चुका है। तो भैया लोग अभी मुझे यहाँ छोड़ दिए एयरपोर्ट में और अब हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। ओके ठीक है भैया, थैंक यू। फिर 31 तारीख को मुलाकात होगा? हाँ 31 को मुलाकात होगा बिल्कुल। रवि भैया ने अपना बैट ले लिया। रवीश भैया क्या कर रहे हो? चलिए, तो बोर्डिंग पास मिल चुका है मुझे और रवि भैया, रवीश भैया का भी बोर्डिंग पास आ चुका है और गेट नंबर 5 से जाना है अंदर, तो अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस हम लोग का चेक इन हो चुका है ख़त्म और मैं आ चुका हूँ अंदर और रवि भैया और रवीश भैया अभी आए हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए। बोल रहे हैं गॉगल्स लेना है उनको, तो देख रहे हैं कि रवीश भैया गॉगल्स पसंद कर रहे हैं, कौन सा गॉगल्स पसंद आता है। ऐसे एयरपोर्ट पे तो काफ़ी महंगा सामान बिकता है और ये देखिए गॉगल्स ब्लैक कलर का, ये अच्छा लग रहा है। प्राइस कितना है इसका? प्राइस 2000। देखिए रवीश भैया इधर इधर देखो इधर, अरे वाह स्मार्ट लग रहा है लेकिन आप। तो हम लोग सब अपने सीट पे आ चुके हैं, रवि भैया, रवीश भैया और मैं सभी। और अगर बता दूँ कि यहाँ से 40 मिनट लगेगा कोलकाता जाने में, 40 मिनट हम लोग बस रेस्ट करेंगे। अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट आ चुका हूँ और अभी हम लोग का जो बैट था ना, तो बैट अभी रवि भैया देख सकते हैं कि रवि भैया ले रहे हैं, अभी बैट आया नहीं है। तो यहाँ से सबका सामान आ रहा है, तो अभी बैट आता है और फिर चलते हैं हापड़ा स्टेशन। थैंक यू। तो भैया फाइनली मिल गया, हम लोग वेट कर रहे थे कि इस पे आएगा लेकिन यहाँ आया नहीं, बल्कि भैया लोग लेके आए। ए मेरा बैट गिरा दिया आप गंदा आदमी, ये तो टूट गया जी, कैसे दिया, तोड़ दिया, मेरा तो गया कवर। तो गाइस देख सकते हैं फ्लाइट पे मैंने रखा था और यहाँ पे तो कवर टूट गया। हट, टूट गया ये टांगने वाला।
तो मैं आ चुका हूँ बाहर और गाइस पॉपआउट हो गया, मेरा जो बैग का कवर था ना वो मतलब आने में टूट गया, तो अब मुझे मतलब ऐसा ही लेके जाना पड़ेगा। और भैया लोग इधर टैक्सी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हावड़ा स्टेशन 18 किलोमीटर है, तो टैक्सी करने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ हावड़ा स्टेशन और अब यहाँ से निकलते हैं घर। आप देख सकते हैं इस साइड मेरी ट्रेन आ चुकी है और अभी हम लोग जस्ट खाना पीना खा के हावड़ा स्टेशन पे फिर से वापस आ चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फ्लाइट में अभी आधा घंटा टाइम है तो रवीज भैया देखिए मुझे कहाँ लेके आया है। अभी विस्की विस्की जहाँ मिलता है, दारू ठेका ठेका लेके आया। देखिए क्या देख रहे हैं, ये देखिए विस्की वाइन रम वोडका बियर, बियर 249 रुपया। क्या रवीज बियर पीना है क्या? देखने आए हैं, देखने के लिए कोई इंसान ऐसे बैठता है क्या गाइस? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रवीज भैया देखने के लिए सिर्फ यहाँ बैठे हैं।